एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल और तहसीलदार सदर डॉक्टर संजीव कुमार दीक्षित के नेतृत्व में सोमवार को तहसील सदर कर्मियों के लिए तहसील परिसर में कोरोना जांच शिविर लगाया गया, जिसमें कुल 111 लोगों की जांच की गई, जिसमें 3 तहसील कर्मी, 1 गार्ड और 1 बाहरी व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए। वहीं तहसीलदार सदर डॉक्टर संजीव कुमार दीक्षित की रिपोर्ट निगेटिव आई। इसके अलावा महानगर में 22 केंद्रों पर कोरोना जाँच शिविर लगाया गया, जहाँ स्थानीय लोगों ने कोरोना की जाँच। इस दौरान एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल सभी कोरोना जांच केंद्रों की निगरानी करते रहे। एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा कि अगर समय रहते कोरोना की जांच करा ली जाए तो और पॉजिटिव आने पर समुचित इलाज हो जाए, जो कोरोना का जंग जीता जा सकता है। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया। चारी लोग कैंपस में मौजूद है और जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, कृपया करके आप लोग रजिस्ट्रेशन अपना आके कराएं कोरोना जांच कराने के लिए। यहाँ पे जो भी बाहरी व्यक्ति हो बाहर चले जाए। तहसील के कर्मचारियों के लिए ये कैंपस खुला हुआ है। आज यहाँ पे कोरोना जांच शिविर लगाया गया है। जो भी कर्मचारी तहसील परिसर में उपस्थित है जिन्होंने किसी कारणवश अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाया है, आके रजिस्ट्रेशन कराए, अपना कोरोना जांच कराए, आके अपना रजिस्ट्रेशन करा ले। शहर में जो 22 हमारे शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और 5 मेडिकल मोबाइल यूनिट के माध्यम से टेस्टिंग को हम करा रहे हैं। जो पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में जितने भी लोग हैं वो टेस्टिंग करा रहे हैं। कल हमारे नायब तहसीलदार राधेश्याम गुप्ता जी पॉजिटिव आए थे और उनके संपर्क में जितने भी लोग आए, हमारे 2 स्टाफ और पॉजिटिव आए थे, तो पूरे स्टाफ का जो पॉजिटिव के संपर्क में आए हैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के माध्यम से आज सभी का हम टेस्ट करा रहे हैं। चूँकि तहसील में बाहर के लोग काफ़ी आवागमन है और ऐसे में कोई भी कोरोना का संक्रमण का खतरा बना हुआ है। बल्क में हम देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे ऑफिसेज में जहाँ पे टेस्टिंग नहीं हुई है वहाँ पे एक साथ 40-50 लोग आ जा रहे हैं, तो ऐसा संक्रमण ना फैले इसीलिए एहतियातन तौर पे जो पॉजिटिव के संपर्क में आए सभी का हम टेस्ट करा रहे हैं। और बाहर के व्यक्ति आने वाले व्यक्तियों से भी हम आग्रह कर रहे हैं वो भी अपना टेस्ट कराएँ, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो बुखार, सर्दी, जुकाम ये लक्षण लेके आ रहे हैं तहसील में और उनकी वजह से कई लोगों को कोरोना संक्रमण हो जा रहा है। कल भी एक वाकया कल एक तहसील में हुआ था, 3-4 लोग थे और पूरा उनका बुखार था, उनका जब टेस्ट कराया गया वो पॉजिटिव निकले और वो तहसील में लगभग 2 घंटे रहे। तो इस तरीके की चीज़ें ना हो तो हम सुनिश्चित करेंगे कि तहसील में आने वाले व्यक्ति थोड़ा और किसी को भी लक्षण लग रहा है तो पहले उसको टेस्ट के लिए हम बोलेंगे। इसी के संदर्भ में आज हमारे पूरे स्टाफ का टेस्ट हम करा रहे हैं।